तो हे गाइस, कैसे हो? आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन होने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे पास जो डिवाइस है वीवो की तरफ से नए लॉन्च हुआ वीवो Y200 Pro 5G। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि आप कैसे वीवो Y200 Pro 5G में एज लाइटिंग या जो कॉल आता है एंड जो SMS आता है उसमें आप एज लाइटिंग को कैसे इनेबल कर सकते हो। तो ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड इन्फॉर्मेशन होने वाले, तो आप इस वीडियो को जरूर शुरू से लेकर एंड तक देखना एंड एक भी स्टेप मिस मत करना। मिस करोगे तो आपको ये करने में बहुत प्रॉब्लम है, करना कुछ भी प्रॉब्लम है तो जो मेरा सोशल हैंडल फेसबुक इंस्टाग्राम ट्विटर इसमें मुझे फॉलो करके DM कर सकते हो, मैं आपको पर्सनल रिप्लाई देकर आपका सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। एंड गाइस, आप हमारे चैनल पर नए हो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग एंड मदर टेक्निकल वीडियो हमारे चैनल में आपको हर रोज दिखने मिलेगा। तो चलेगा गाइस, सीधा हम आते हैं फोन के स्क्रीन पे। तो गाइस, ये करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा आपका फोन के सेटिंग में। उससे पहले दिखा देता हूँ कि ये मेरा वीवो Y200 Pro 5G डिवाइस है। तो सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा फोन के सेटिंग्स में। फोन के सेटिंग्स के अंदर जाने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना पड़ेगा। जैसे कि आप देख सकते हो, मैं अभी फोन के सेटिंग्स में हूँ। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करने के बाद इधर एक ऑप्शन मिलेगा कि आपको डायनामिक इफेक्ट, तो आपको सिंपली जो लिखा आ रहा है इधर डायनामिक इफेक्ट, उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। तो सॉरी, मैं गलती से साउंड एंड वाइब्रेशन में आ गया। तो जो डायनामिक इफेक्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना पड़ेगा। इसके ऊपर सिंपली क्लिक करने के बाद आपके सामने ऊपर ही एक ऑप्शन आ रहा है सेकेंड में कि एम्बेंट लाइट इफेक्ट। तो सेकेंड में जो ऑप्शन आ रहा है एम्बेंट लाइट इफेक्ट, आपको सिंपली उसके ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। उसके ऊपर क्लिक करते ही आप देख सकते हो मेरे जो एम्बेंट लाइट इफेक्ट है, मतलब जो एज लाइटिंग है, उसके अंदर आ गया है। उसके अंदर आने के बाद इधर एक ऑप्शन मिलेगा इनकमिंग कॉल, कि आपको इनकमिंग कॉल जब आएगा उसके अंदर आपको एज लाइटिंग चाहिए नहीं चाहिए। तो मैं सिंपली इनेबल है तो मुझे चाहिए एंड कौन सी लाइट इफेक्ट चाहिए। तो उसके अंदर जाने के बाद आपको देख सकते हो 3 लाइट इफेक्ट, आपको जो भी अच्छा लगे उसके ऊपर आप टैप करके अप्लाई कर दोगे तो लाइट इफेक्ट आपके लिए इनेबल हो जाएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो, मेरे फास्ट वाला ही अच्छा लग रहा है तो मैं उसको रहने देता हूँ। एंड उसके नीचे मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करूँगा अभी, तो नीचे एक और ऑप्शन दिखते हैं कि नोटिफिकेशन लाइट इनेबल। तो आपको नोटिफिकेशन में लाइट इनेबल चाहिए तो उसको इनेबल कर दो। एंड उसके बाद नीचे आओगे तो आपको बहुत सारे इफेक्ट मिलेगा कि आपको कौन सी इफेक्ट में नोटिफिकेशन लाइट चाहिए। तो इधर बहुत सारे इफेक्ट, तो आपको जो इफेक्ट चाहिए उसको सिर्फ अप्लाई कर दोगे तो हो जाएगा। एंड मैं बैक आऊँगा, बैक आने के बाद इधर एक ऑप्शन दिख रहा है कि कौन सी एप्लीकेशन में आपको नोटिफिकेशन लाइट को इनेबल करना चाहते हो, आप कौन सी एप्लीकेशन में चाहते हो। आपके फ़ोन में जितने सारे एप्लीकेशन इधर शो कर रहे, तो मुझे सारे ऐप्स चाहिए, तो मैं जो ऑल ऐप्स लिखा आ रहा है इसके ऊपर सिंपली इसको इनेबल कर दिया। तो मेरे फ़ोन में जितने सारे एप्लीकेशन है उसमें कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो जो मेरा फ़ोन का जो एज लाइटिंग है वो इनेबल हो जाएगा, मतलब स्क्रीन के चारी साइड जो एज लाइटिंग है। जैसे कि आप देख सकते हो मेरे स्क्रीन पे शो हो रहा है, तो मुझे ये वाला एज लाइटिंग मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मैं सिंपली उसको अप्लाई कर दिया जो रेड वाला आ रहा है। तो गाइस, ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को अच्छा लगता है लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर ना जरूर सब्सक्राइब कर लेना। तो गाइस, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।